नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण 24। मैं हूं जिला बेरोजगार वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज नव जागृति शिक्षा मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सौजन्य से तमाम लोगों को N95 मास्क के साथ साथ गुलाब का फूल दिया, ताकि लोग जागरूक हो सके, कोरोना से बच सके। हालांकि हमारे जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सौजन्य से जितनी सख्ती बरती गई, कोरोना आज काबू में। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई लोगों को जगाने का प्रयास किया। कई बार लोगों ने मास्क बांटा, जैसा चाहे वो खुदरा व्यापार संघ हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, लगातार ये लोग भी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे में तमाम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अगर समाज के लोगों को जगाने का प्रयास शुरू से करते हैं, तो कोरोना हमारे हिसाब से इतना नहीं बढ़ पाता। हालांकि N95 मास्क जो मेडिकेटेड मास्क है, लोगों को दिया गया है। तमाम जो है सो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी शामिल हुआ, और साथ ही साथ अनिल बंडवाल जो बंडवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं और बीड़ी निर्माण संघ के भी अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ विशाल राज, जिनका ये NGO है, नव जागृति शिक्षा मंच, साथ वो पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोगों को जगाने का प्रयास किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हमारे NGO की तरफ से नव जागृति शिक्षा मंच हाजा जम्मू, मैं उसका सेक्रेटरी कैप्टन विशाल राज, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक बैठक करके उसमें निर्णय लिए कि कोरोना अवेयरनेस, जहां तक जितनी भी संस्था है, छोटी सी बड़ी संस्था, सब लोग कोरोना अवेयरनेस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग रोड सेफ्टी प्रोग्राम अक्सर करते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोरोना अवेयरनेस प्लस रोड सेफ्टी प्रोग्राम को किया जाए। इसको हम लोग अलग रूप देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्यार मोहब्बत से एक गुलाब फूल और N95 मास्क देने का मतलब ये है कि लोगों को प्रोत्साहित करना कि मास्क जो आप पहनते हैं वो बढ़िया पहने, हाइजीनिक पहने, और ऐसा मास्क पहने जिससे आपका 3 लेयर हो और जो मेडिकेटेड हो। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि लोगों को मेडिकेटेड और अच्छा मास्क मुहैया हो सके, जिसमें आज NGO में सेवार्थ ABBP के संयोजक झाजा सूरज बर्नवाल और उनके सहयोगी हैं, और हमारे आज अतिथिगण जो हैं वो राशिद अहमद भैया जी और अनिल शाह जो बर्नवाल समाज के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है, और हमारे साथ सबको सम्मान दिया गया है। और जितने भी पत्रकार बंधुए हैं, कल उनका पत्रकार दिवस था, मैं उनको नहीं धन्यवाद दे पाया, अभिनंदन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं उन लोगों को आज एक अंग वस्त्र दे के सभी को मैंने सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मिलित रूप से N95 मास्क और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता अभियान यह चलाया जा रहा है कि जो भी आप मास्क पहनते हैं वो अच्छा क्वालिटी का मास्क पहने, आवश्यक रूप से मास्क पहने, और मास्क का जो पहनने का तरीका है वो नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके। यह एक शिक्षा रोड पर घूम घूम कर हम लोग अपने युवा साथियों के साथ यह लोगों को दे रहे हैं। धन्यवाद। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी इस कोरोना के लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के अब बहुत फास्ट आप लोग चल रहे हैं। कभी आप लोग जंगल में नजर आते हैं, कभी गांव में, कभी गांव के खेत पर, कभी आड़ पर, मेहर पर, आप लोग तमाम लोग जाके सब लोग को निस्वार्थ भाव से जागरूक कर आप लोगों में शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं तमाम राजनीतिक मंच और राजनीतिक से ऊपर उठ कर हम लोग तमाम झाझावासी एकजुट होकर हमारे मित्र अनिल जी और हमारे वार्ड आयुक्त जो है विशाल राज जी के विशेष आमंत्रण पर एक अच्छा काम के लिए उन्होंने बुलाया कि सभी को मास्क बांटना है, और गाड़ी से किस तरह से हम लोगों का काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे बच बचाओ रख रखाव कर रहे हैं। तो हम लोग जो है नव जागृति शिक्षा मंच NGO जो है विशाल राज के थ्रू चलाया जा रहा है, उसी के बैनर तले हम लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। के द्वारा तमाम लोगों को गुलाब के साथ मास्क दिया जा रहा है, N95 मास्क, साथ ही साथ समाज को जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आज विशेष अतिथि राशिद अहमद भी यहाँ मौजूद है।